सब तो पहला मैं प्रार्थना पवन टीवी दे सारे दर्शकों जय यीशु मसीह आखदा हाँ। तो खुदा अगे प्रार्थना करदा कि अज का साडा ये सैशन अज की साडी ये प्रार्थना सभा प्रभु की हजूरी दे विच कबूल होवे और जिन्ने लोग प्रार्थना पवन टीवी इस मौके पर देख रहे हैं सारे नू खुदा बहुतायत दे विच बरकतां दे नाल माला माल करे। अपने स्वर्ग दे बोहे खोले अपना सज्जा हथ वधावे साडे सिरां दे उत्ते रखे और साडे विचलियां सारियां कमियां कटियां कमजोरियां नू दूर करके अपने स्वर्ग राज दे लई सानू सारे नू तैयार करे। आमीन। ते जिन्ने लोग प्रार्थना पवन टीवी देख रहे हैं उन्हां सारे लोगों नू मैं रिक्वेस्ट करदा प्रार्थना करदा कि आप सारे जने मिल के अज प्रभु की महिमा दे विच अपना दिल दिमाग और अपनी रूह नू पेश करते हुए खुदावन की हजूरी दे विच उच्ची आवाज़ दे विच नगमे गावांगे प्रार्थना करांगे अते वचन दे विचों कुछ गल्लां सुणांगे और वचन नू अपने दिलां दी जमीन दे विच बीजन दे लई खुदा कोलों मंग करांगे। सब तो पहला असी प्रभु की महिमा दे लई गीत भजन गाण दे लई जा रहे हां। सारे ने मिल के साथ देना और इस गीत दे विच दुआ करनी है कि प्रभु सानू अपनी बुक्कल दे विच लुकोवे प्रभु सानू अपनियां दोवें बाहां जो खोल के सानू पुकारदा है सानू अपने कोल आउण दा मौका देवे और अपने चरणां दे विच सानू स्थान बख्शे। जदों असीं दुखां तकलीफां और परेशानियां दे विच हुंदे आ बहुत पासे हथ मारदे आ बहुत थावां ते असीं अपनी मदद लई पुकारदे आ पर सानू कोई मदद नहीं दिंदा ते असीं जाणदे हाँ कि जिन्हां दा कोई नहीं हुंदा उन्हां दा खुदा हुंदा है। सानू याद रखना चाहीदा है कि प्रभु साडे नाल है वह साडियां कमजोरियां दे विच ताकत बनदा है साडी मजबूरियां दे विच साडा साथ दिंदा है और हमेशा युगां दे अंत तक साडे नाल है ये उस दा वादा है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। सचमुच प्रभु मैं सारी दुनिया लभी सारे दरवाजे खड़काए परंतु प्रभु जी किसी ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलिया परंतु प्रभु जी जदों मैं तेरे वल वेख्या तुसी अपने दोवें हाथ फैला के मैनू सीने दे नाल लाण लई मेरे वल नू अगे वधे हो प्रभु ते मैं भी चाहुंदा हां प्रभु कि मैं अपने जीवन दे विच सब कुछ त्याग करके तैनू अपनाउण दे लई तेरे नाल जीण दे लई तेरे नाल जुड़न दे लई प्रभु जी अपने आप नू तेरे अगे पेश करां। धन्यवाद यीशु। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। सब जन मिल के ताली बजा के अपने आप नू प्रभु दे हत्थां विच सौंपदे हुए इस गीत दे विच प्रभु दे अगे अपने आप नू पेश करदे हुए उच्ची आवाज़ दे नाल गीत गावांगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा yes, Lord, yes, Lord. तेरे जैसा
क्षमा तेरे जैसा न कोई मिला। हालेलुया प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू सानू अज का दिन दिता है प्रभु कि असी प्रभु जी तेरी हजूरी दे विच इकट्ठे होके तेरे तो बरकत मंग सकीए प्रभु, तेरे नाल जुड़ सकीए प्रभु, अपने गुनाहों नू तेरे हत्थां विच सौंप सकीए ते माफी प्राप्त कर सकीए प्रभु। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाह मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी ही वारी। तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। सचमुच प्रभु मैं जदों थक गया, लभदे लभदे प्रभु जी थक गया कि कोई मेरी मदद ले आवे। प्रभु जी मैं टुट गया ते प्रभु जी फिर उस समय मैंने टुटे हुए नु प्रभु जी तुसी गल नाल लाया प्रभु जी, मैनु दुखां चो कढ़िया, मेरे गुनाहां नु माफ कीता प्रभु। सचमुच तू महान है प्रभु, सचमुच तू महान है प्रभु, सचमुच तू महान है प्रभु। दुनिया के आगे दुहाई बहुत ही दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, मेरी दुआ तूने स्वर्ग में कबूल की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला।
तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी मैनू टुटे हुए नू प्रभु जी तुसीं सांभ लिया है, तुसीं अपनी बुक्कल च मैनू प्रभु जी जगह दित्ती है, अपने सीने दे नाल लाया है प्रभु। सचमुच तू महान है प्रभु, सचमुच तू महान है प्रभु। और जिन्हें लोग प्रार्थना भवन टीवी देख रहे हैं, असी अज सारे लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने सारे भी प्रभु जी अपनी बुक्कल दे विच लुको लवे प्रभु, अपने चरणों में स्थान देवे, उन्होंने सारे दुखों नू हंजुआ नू प्रभु साफ करे और उन्होंने सारे कष्टों नू दूर करके शैतान की शक्ति तो दुखों की शक्ति तो आज़ादी प्रदान करे। वचन दे विच सुनांगे कि किस तरह जो लोग प्रभु की दया के अधीन रहिंदे हन, जो प्रभु दे नाल जुड़े रहिंदे हन, जो सच्चाई अते नेकी दे नाल उदी पैरवी करते हैं, खुदा किस तरह उन्होंने नाल रहिंदा है, किस तरह उन्होंने बरकत प्रदान करता है। अज असी वचन दे विचों देखांगे ते जानांगे कि किस तरह प्रभु अपने ते भरोसा रखण वालियां नू बरकत अते खुशी प्रदान करता है। असी पढ़ांगे जबूरां दी पोथी दे विचों उसका 112 अध्याय ते 1-6 आयत तक। प्रभु दी जय। प्रभु दा डर रखण वाला मनुख धन है, जो उसदे हुक्म दी खुशी नाल पालना करता है, उस मनुख दी संतान धरती उत्ते शक्तिशाली होवेगी। भले मनुख दी अगली पीढ़ी आशीष प्राप्त करेगी, उस दे घर धन दौलत होवेगा अते उस दी सच्चाई सदीपक काल तक रहेगी। भले मनुख लई हनेरे विच चानण चमकदा है, प्रभु उस उत्ते अपनी कृपा दया अते न्याय प्रगट करदा है। ओ मनुख धन है जो खुलदली वाला वर्ताव करदा है अते उधार दिंदा है, जो अपना हर काम न्याय नाल करदा है। भला मनुख कदी असफल नहीं होवेगा, उस नूं हमेशा याद कीता जावेगा। ये प्रभु दी पाक बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। इस बाणी दे विच असी देखिया है कि भला मनुख किस तरह प्रभु दे नाल जुड़ के रहिंदा है अते भला मनुख किस तरह प्रभु तो बरकत हासिल करता है। वचन दे विच लिखिया है उहदी संतान इस धरती उत्ते शक्तिशाली होवेगी। वचन सानू दसदा है कि भला मनुख कदी भी निराश नहीं होवेगा, निराशा उहदे जीवन दे विच नहीं आएगी। वचन सानू दसदा है कि परमेश्वर ते भरोसा रखण वाला इंसान कदी भी शर्मिंदा नहीं हुंदा। सो अज सानू प्रभु ने मौका दिता है कि असी अज इस प्रार्थना सभा दे विच अपने आप नू भला सिद्ध करदे हुए अपने विचलियां सारियां बुराइयां नू प्रभु दे चरणां दे विच रखिए, उस तो माफ़ी मंगिए ते उस दे नाल जुड़ के उत्तों बरकत हासिल करिए। हमेशा असी अपने जीवन दे विच वेखदे हाँ कि असी दुनियावी कम्मां दे विच हमेशा रुझे रहिंदे हाँ, अपने जीवन दे विच कदी भी असी ये महसूस नहीं करदे कि असी दुनियावी दौड़ दे विच दौड़दे दौड़दे आसमानी खुशी बरकत खो चुके हैं। असी कदी भी ये महसूस नहीं किया कि किस तरह असी प्रभु तो दूर होंदे जाने हाँ। हर दिन सूरज निकलता है, हर नवा दिन सानू मिलता है, उस नवे दिन दे विच असी अपने ही दुनियावी कम्मां दे विच खो जाने हाँ। असी नहीं जान सकते, दिनों दिन शैतान साड़ी बुद्धि साड़े तो खो लैंदा है, साड़ी शक्ति साड़े तो खो लैंदा है, वो अपने कम्मां दे लई सानू इस्तेमाल करता है, परंतु असी कदी भी ये महसूस नहीं किया कि खुदा अपनियां दोवें बाहां फैला के साड़ा इंतजार कर रहा है, सानू सीने दे नाल लाने लई, सानू गल नाल लाने दे लई। ते अज सानू मौका दिता है प्रभु ने कि इस प्रार्थना सभा दे विच असी प्रभु दे नाल जुड़िए, उहदी बरकत हासिल करिए। गीतां भजनां द्वारा वचन द्वारा असी अपने जीवन नू चंगी तरह खंगालिए ते देखिए कि किते असी खो तो नहीं गए, किते असी प्रभु तो दूर तो नहीं चले गए। ते जे चले गए हाँ ते अज असी अपने गुनाहां दी माफ़ी मंग के एक बार फिर प्रभु दे नाल जुड़ सकीए।
सो एक बार फिर असी छोटी जी दुआ दे नाल अपने आप नूं खुदा दे अगे पेश करांगे। ए प्रभु, असी सचमुच माफ़ी मंगते हाँ, अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा हाँ प्रभु, कि असी तुहाडे तो बहुत दूर चले गए हाँ प्रभु, असी दुनियावी मोह माया दे विच फस गए हाँ प्रभु, शैतान सानू हर दिन तुहाडे तो दूर लैके जा रहा है प्रभु, लेकिन प्रभु जी अज तुसी सानू मौका दिता है कि असी एक बार फिर तेरे नाल जुड़ सकीए प्रभु। जिन्ने लोग प्रार्थना भवन टीवी देख रहे ने और जिन्हें लोगों तक प्रभु जी ये प्रोग्राम पहुँचे, उन्होंने सारे लोगों को बहुतायत नाल बरकत और आशीषा देना और एक बार फिर तो प्रभु जी अपने दिल दे विच उन्हों का स्वागत करना, उन्होंने अपने नाल जोड़ना, उन्होंने सारिया कमियां घटियां कमजोरियां प्रभु जी उन्हों तो दूर करना और कमजोरिया ते फतेह पाउंदा उन्होंने वरदान देना। असी ये सब कुछ मंगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह दे नाम। आमीन। प्रभु ने साडा मेल परमेश्वर दे नाल करवाया है, पिता दे नाल करवाया है, अपनी जान दे के, अपनी कुरबानी दे के, ते साडा फर्ज बनता है उसकी इस कुरबानी नूं असी महसूस करिए, अपने जीवन दे विच महसूस करिए कि उसने साडा मेल प्रभु दे नाल करवाने लई किन्ना महान काम किया है, कितनी ज़्यादा सज़ा सही है अपने उत्ते। उसने अपने जीवन दे विच सानू परमेश्वर दे नाल मिलाण दे लई पूरा जीवन साडे लई कुरबान किया है, अपने लहू दे कतरां दे नाल साडी मुक्ति की कहानी लिखी है। सो धन्नवाद भरे शब्दां दे नाल असीं इस गीत नूं गावांगे। सब जन मिलके असीं अपनी अखां नूं बंद करांगे, अपने दिल नूं प्रभु दे नाल जोड़ांगे, अपनी रूह नूं प्रभु दे हत्थां विच देवांगे और इस गीत दे द्वारा अपनी मुक्ति दे लई प्रार्थना करांगे। मुक्ति जो शैतान तो प्राप्त करनी चाहुंदे हैं, मुक्ति जो नशियां तो प्राप्त करनी चाहुंदे हैं, मुक्ति जो पैड़ियां आदतां तो प्राप्त करनी चाहुंदे हैं, मुक्ति जो नाजायज़ कम्मां तो करनी चाहुंदे हैं, उन्हां सारियां चीज़ां दी वास्ते मुक्ति दे लई असीं प्रार्थना करांगे और प्रभु तो मंगांगे कि उहदा लहू साडे सारे गुनाहां नूं धो देवे। लहू तेरा मेरे खुदाया बन गया मेरा कुफारा, लहू तेरा मेरे खुदाया बन गया मेरा कुफारा। असी अपने दिल दे विच इकरार करांगे और इस चीज़ नूं मन्नांगे कि प्रभु ने जदों असी मंगदे हाँ माफ़ी, जदों असी उहदे कोलों उहदे अगे पेश होके अपने गुनाहां दा कुफारा मंगदे हाँ, माफ़ी मंगदे हाँ, तो वह जरूर दिंदा है, उहदा लहू साडे हर एक गुनाह नूं धो दिंदा है। सो असी इस चीज़ नूं अपने जीवन दे विच महसूस करांगे। लहू तेरा मेरे खुदाया बन गया मेरा कुफारा, 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 लहू साडा कुफारा बन गया मेरे खुदाया, लहू तेरा मेरे खुदाया बन गया मेरा कुफारा। सचमुच प्रभु तेरे लहू दे नाल साडे सारे गुनाह धोते गए ने प्रभु, तेरे लहू ने प्रभु जी सानू
मौत तो आजादी प्रदान की है प्रभु। सचमुच प्रभु इसी तेरे बहुत धनवादी हाँ प्रभु। साढ़े कोई शब्द नहीं हैं, साढ़ा पूरा जीवन भी प्रभु जी घट है तेरा धनवाद करन दे लई। बस असी प्रभु जी तेरे नाल जुड़ के रहना चाहते हाँ। सानू इन्नी शक्ति दियो, इन्नी ताकत दियो कि असी प्रभु जी तुहाडे तो दूर ना होइए, तुहाडे नाल जुड़े रहिए प्रभु। चुक मोटे सलीब ओ तुरिया सी जांदा। उस वक्त नू याद करिए जद प्रभु सलीब चुक के साढ़े गुनाहां दे लई कलवरी पहाड़ दे उत्ते जान देन लई जा रहा है। चुक मोटे सलीब ओ तुरिया सी जांदा, साढ़े मोटे सलीब तुरिया सी जांदा, साडे गुनाहां गोड़े खांदा। वगणे बदन चो लहू दियां तारां, वगणे बदन चो लहू दियां तारां। लहू तेरा मेरे खुदाया करेगा। जीवन मिले है प्रभु। हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरे लहू दे नाल प्रभु जी साडे सारे गुनाह धोते गए ने। हालेलुया प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लहू तेरा मेरे खुदाया बन गया मेरा कुफारा। लहू तेरा तेरे लहू दे नाल साडे सारे गुनाह धोते गए ने। और प्रभु जी असी महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं प्रभु, शुद्ध महसूस कर रहे हैं प्रभु, उत्तमता दे शिखर ते पहुँच चुके हैं प्रभु। साडा विश्वास है कि जिस चीज़ की असी मंग करते हैं तुसी पूरा करते हो। वचन च लिखा है मंगो तुहानू दिता जाएगा, खटखटाओ तुहाडे लई खोलिया जाएगा। सचमुच प्रभु मेरे सारे भैणां भरावां ने तुहाडे तों मुक्ति दे वास्ते मंग कीती है, मुक्ति गुनाहां तों, मुक्ति नशे तों, मुक्ति बीमारियां तों, मुक्ति भैड़ियां आदतां तों। और तुसी प्रभु जी अपने वचन दे द्वारा सानू मुक्ति दिती है। यस आमीन। अपना हाथ वधाया है। हालेलुया। सानू बरकत दिती है। धन्यवाद यीशु। साडा विश्वास है प्रभु जी जो भी असी तुहाडे तों मंगिया है सानू मिल चुका है। आमीन। इस विश्वास दे विच असी बने रहना चाहते हैं प्रभु। सानू बरकत दियो कि इस तरह असी हमेशा तुहाडे नाल जुड़े रहिए। यस लॉर्ड। जिन्हें लोग प्रार्थना भवन टीवी देख रहे हैं सारे नू प्रभु जी मैं एक बार फिर तो तेरे पवित्र हत्थां विच सौंपदा। इन्हां दी आशीष और बरकत दे लई तेरे तों मंग करदा प्रभु। इस बरकत नू हमेशा साडे जीवन दे विच बरकरार रखना प्रभु। यस लॉर्ड। और असी हमेशा तुहाडे नाल जुड़े रहिए, ये वरदान देना प्रभु। असी सब कुछ मंगते हैं प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा और जलाली नाम दे विच। आमीन आमीन आमीन।